Hey YouTube family, welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप? I hope all you are well. So guys, we are here with another food video. Guys, आज हम हाजिर हो चुके हैं एक और tasty और लजीज से food के साथ. Guys, आज हम आए हैं राजस्थानी भोजनालय पे. Yeah, आज हम आए हैं भोजनालय में guys और आज हम explore करने वाले हैं एक बहुत tasty सा food. और food का नाम मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि food के नाम के लिए आपको आगे तक video में जाना पड़ेगा और video को पूरा देखना पड़ेगा. तो guys, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड ये सर्व करते हैं. अब मे बी गाइस जो ग्वालियर में रहते हैं वो यहाँ पे ना आए हों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लजीज खाना है यहाँ का गाइस. और गाइस यहाँ पे आज मैं ट्राई करने वाला हूँ जो फूड वो काफ़ी पसंदीदा फूड है और राजस्थान में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है एज़ यू नो दैट. तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगने वाला है और जब तक मेरा फूड रेडी हो रहा है तब तक आप फटाफट से आके नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा है इसको प्रेस कर दो, बगल में बेल आइकन बजाना ना भूलना और साथ ही इसको शेयर करना भी ना भूलें. तो गाइस जब तक फूड रेडी हो रहा है चलिए आपको दर्शन कराता हूँ मैं राजस्थानी भोजनालय के. तो गाइस बेसब्री से जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था वो चीज़ आ चुकी है एंड यू कैन सी दिस गाइस इज टोटली आउटस्टैंडिंग अमेजिंग. मतलब मैं तो देख के ही हैरान हूँ कि यार इतनी सारी चीज़ें हाउ आई कैन ईट गाइस. बहुत ज़्यादा इतनी प्यारी प्यारी स्मेल आ रही है कि आई कांट एक्सप्रेस इन दिस वीडियो और आई एम टोटली फैन ऑफ दिस. मतलब यार इतना टेस्टी खाना देख के ना बड़ी अच्छी तसल्ली सी मिल रही है कि यार आज ना बहुत शानदार व्लॉग भी बनने वाला है और बहुत शानदार फूड भी खाने को मिलने वाला है. गाइस ये हमारी दाल है एंड दिस इज़ कड़ी और ये गट्टे की सब्ज़ी है. ये हमारा सैलेड हो गया, ये हमारा चूरमे का लड्डू हो गया और ये लहसुन की चटनी और ये यहाँ की स्पेशल वन है एंड दिस इज़ आवर बाटी. तो गाइस इतना सारा खाना देख के ना अब कंट्रोल नाम का तो एक शब्द भी दिमाग में नहीं आ रहा है मेरे और मुझे भी पता है कि वहाँ से बैठे बैठे ना आप लोगों को भी बड़ा बड़ा मज़ा आ रहा होगा देख के क्योंकि फूड ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है. और फिर अगर इतना टेस्टी फूड हो ज़्यादा वेट करना ना अच्छा नहीं होगा ना आपके लिए ना मेरे लिए क्योंकि इतनी अच्छी स्मेल जा रही है और अगर मैं वेट करता रहूँगा तो मेरा पेट मुझे गाली देगा इसलिए गाइस. और दाल बाटी खाना सिर्फ मेन जो बेस्ट तरीका होता है पहले बाटी को लें और लाइक दिस क्रश इट जैसे भी कर पाए हैं इज इट. गाइस आप देख सकते हैं कि बाटी देसी घी में है और काफ़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है बाटी में से भी. और नाउ इट्स टाइम फॉर दाल. सबसे बेस्ट तरीका होता है दाल बाटी खाने का गाइस कि पहले बाटी को अच्छी तरीके से क्रश कर लो और उसके बाद दाल की एक प्यारी सी इसमें फिलिंग कर दी जाए. इट्स टाइम फॉर टेस्ट दी अल्टीमेट एंड द किंग ऑफ ऑल राजस्थानी फूड दाल बाटी. सो गाइस लेट्स ट्राई दिस. गाइस फैंटास्टिक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा टेस्ट आ रहा है इसमें. जो बाटी है उसका जो क्रंचीनेस है हल्की हल्की क्रंचीनेस और जो ये तरीका है ये तो माइंड ब्लोइंग है गाइस. Now it's time to try his special chutney. मेरी डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो यहाँ समाप्त होते हैं क्योंकि इस चटनी के साथ ना दाल बाटी का टेस्ट ना गाइस मतलब
मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि शब्द ही नहीं बचा, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना। एक पेरेंट गजब गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जो इनकी चटनी है उसके साथ तो ना मतलब मैं बता ही नहीं सकता। ये टेस्ट जो है इस जो थाली का टेस्ट है दाल बाटी चूरमे का, ये मैं आपको यहाँ से नहीं बता सकता। और इट्स आउटस्टैंडिंग लवली। और ये जो हमारा चूरमे का लड्डू है, और इतने सारे खाने के बाद मीठा मौजूद हो तो कैसे टेस्ट करे बना लगा है। तो इस टाइम फॉर चूरमे का लड्डू। वाह, चूरमे का लड्डू का भी बहुत ही ज़्यादा अलग टेस्ट है गाइस। और मतलब एक राहत सी मिली, दाल बाटी फैंटास्टिक। और सबसे स्पेशल तो मेरे को यहाँ चटनी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है चटनी का। मतलब एक यूनिक सा टेस्ट जो मैंने अभी तक कहीं ट्राई नहीं किया। और फिर चूरमे का लड्डू फैबुलस। तो गाइस आपको इतना टेस्टी फूड एक बार तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और दाल बाटी चूरमा तो अगर ग्वालियर में कहीं टेस्टी लग रहा है मुझे तो वो यही है। तो गाइस यू नीड टू कम टू विजिट वंस राजस्थानी भोजनालय। और यहाँ आने के लिए आपको आना पड़ेगा गश्त के ताजिए पे और गीडवाना होली सिग्नल के पास ही। कहीं भी आप पूछेंगे कि राजस्थानी भोजनालय कहाँ है तो कोई भी आसानी से बता देगा, क्योंकि बहुत फेमस है ये ग्वालियर में। तो गाइस अब इतनी बड़ी थाली है, फिनिश करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइस।